हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो हम लोगों का टॉपिक है सी प्लस प्लस में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वो है व्हाट इज हैश इंक्लूड आईयूस्ट्रीम डॉट एच। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आईयूस्ट्रीम डॉट एच के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए कि आईयूस्ट्रीम डॉट एच होता क्या है। तो आइए जानते हैं आईयूस्ट्रीम डॉट एच है क्या। एक्चुअली मैंने बताया कि जो आईयूस्ट्रीम डॉट एच है ये एक तरह की क्या है, हेडर फाइल है, और ये क्या करता है, ये लाइब्रेरी फंक्शन जो आपका इंक्लूड है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है इस लाइब्रेरी को स्टोर करके रखता है, और ये लाइब्रेरी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को स्टोर करती है। किस तरह के फंक्शंस को स्टोर करती है, वो स्टोर करती है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को। तो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें इनपुट आईओ, आईओ का मतलब होता है, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। तो जो दो तरीके के आपके होते हैं, एक आई स्ट्रीम और एक ओ स्ट्रीम, एक होती है इनपुट और एक होते हैं आउटपुट। ये क्या होते हैं, आई स्ट्रीम जो है ये इंक्लूड नाउन की ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, सेव होते हैं। जो भी आपके आईस्ट्रीम और आईस्ट्रीम के अंदर क्या होते हैं, वेरियस फंक्शन होते हैं आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम में। अब बात करते हैं आईस्ट्रीम के बारे में। पहले आईस्ट्रीम क्या होता है, आईस्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट, इसका मतलब यूजर द्वारा कोई वैल्यू इनपुट की जाए, मतलब इंस्ट्रक्शंस इनपुट किया जाए। तो इनपुट करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं, सीन, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। आप लोग याद होगा सी में आप लोग कोनियो लगाते थे, यहाँ पे आप लोग कोनियो नहीं लगा रहे, यहाँ पे आप लोग केवल आईस्ट्रीम डॉट एच लगा रहे हैं। सीन का मतलब जो होता है वो होता है कंसोल इनपुट, मतलब आप कोई वैल्यू आपसे क्या करेगा, इनपुट के रूप में लेगा। एक होता है सीआउट, सीआउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, ये एक तरह का आउटपुट फंक्शन है। इसका मतलब जो भी आपको रिजल्ट मॉनिटर पे दिखेगा वो कहां दिखेगा, वो आपको सीआउट फंक्शन के अंदर दिखेगा, सीआउट ऑब्जेक्ट के अंदर दिखेगा। तो आप पहले बात करते हैं सीन के बारे में, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, सीन को समझेंगे। यहां पर सीन के अंदर क्या होते हैं, कुछ इनपुट ऑपरेटर्स होते हैं। इनपुट ऑपरेटर का मतलब, ऑपरेटर का मतलब मैंने आपको पहले पता है, पहले बता चुका हूं कि जैसे आपके कोई भी सिंबल्स होते हैं वो क्या है, एक तरीके के ऑपरेटर का परफॉर्म करते हैं। यहां पे आप देख रहे थे इसको ऐसे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बता रखा है सीन, फिर उसके बाद आप एक्सट्रक्शन का साइन लगाते हैं, एक्सट्रक्शन का साइन इसको बोलते हैं, या फिर गेट फ्रॉम का साइन बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है गेट फ्रॉम का साइन सिंबल कैसा होता है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपका गेट फ्रॉम का सिंबल ही है। अब इसको अगर मान लें हम ब्लॉक वाइज देखते हैं, तो सीन आपका ये है, सीन के बाद आपका एक्सट्रक्शन या गेट फॉर्म आता है, और उसके बाद क्या आता है आपका वेरिएबल आता है। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, सीन में, सीन के राइट हैंड साइड पे जो आपको तो ये दिख रहा है, ये क्या करता है, एक का मतलब यहां पे क्या है, एक एक वेरिएबल है जहां पर कोई वैल्यू हम लोग इनपुट की जाएगी, और वो किसकी मदद से होगी, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, वैल्यू लाके किसको देगा, सीन फंक्शन को देगा, और सीन फंक्शन क्या कराएगा, उस पर ऑपरेट करेगा, उस पर काम करेगा। सेम ऐसे ही आउटपुट फंक्शन भी होते हैं, सी आउटपुट फंक्शन जो है आपका आउटपुट ऑपरेटर होते हैं, आउटपुट ऑपरेटर जो होता है वो होता है इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, वही सेम सी आउट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑपरेटर हो जाएगा, और ये आपका वो मैसेज या वेरिएबल हो गया जो आपको मॉनिटर पे प्रिंट करना है। सी आउट में जो भी चीज लिखी जाएगी वो कहां प्रिंट होगी, वो मॉनिटर पे प्रिंट होके आएगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर गुरु, तो मॉनिटर पे लिख के आएगा कंप्यूटर गुरु, समझ आया आपको इस चीज का। तो ये कैसे काम करता है, इसको ब्लॉक वाइज देख लेते हैं। यहां पे आ जाएगा आपको सी आउट, फिर आपका पुट टू ऑपरेटर, ये जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, जहां पे मैसेज आप लोग डालते हैं, और फिर उसके बाद आपका वेरिएबल या मैसेज। अब मेरे ख्याल में आप इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में आसानी से समझ गए होंगे, और पूरा रोल भी जान गए होंगे कि हैज इंक्लूड आईयूस्ट्रीम डॉट एच में आईयूस्ट्रीम डॉट एच का क्या रोल है। मैंने बताया आईयूस्ट्रीम डॉट एच का रोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को मेन रहता है, फंक्शन को स्टोर करना और उनको प्रोग्राम में एक्सिक्यूट करना।
ये हो गया आपको होगा इनपुट और आउटपुट फंक्शंस एंड स्ट्रीम नॉलेज। इससे रिलेटेड अगर किसी की क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।